भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उन अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। श्री भगवान बोले, अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। कुंती पुत्र सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य है। इसलिए भारत, उनको तू सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित, अप्रमेय, नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, और यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता है तो भी महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है? कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीरों में
सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है।